राज्य बजट के बाद पहली बार आए सीएम सलाहकार व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का नवलगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ बजट में नवलगढ़ के लिए हुई घोषणाओं और ओपीएस लागू होने पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने अभिनंदन किया जिले की सीमा पर पशुपालन नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश यादव की अगुवाई में तथा चक्कर पर डीजे फूलमालाओं और साफा पहनाकर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया इस दौरान सम्मान समारोह में प्रधान दिनेश सुंडा, सीबीओ अशोक शर्मा सीडीपीओ इंदिरा सूरा एसीबीओ जयसिंह कुल्हरी महेंद्र सैनी पंचायत समिति सदस्य सुबिता सिगड़ा अतिथि के रूप में मनशस्थ रहे साथ ही डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि दो करोड़ रुपए साइंस पार्क में खर्च किए जाएंगे खाद्य लाइसेंस बनाने का शिविर हुआ आयोजित चिडावा शहर में मैन मार्केट स्थित चौरासिया मंदिर में खाद्य व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस बनाने के लिए शिविर आयोजित हुआ हालांकि शिविर सुबह दस बजे शुरू होना था लेकिन साढ़े ग्यारह बजे तक शिविर शुरू नहीं हो पाया दो घंटे की देरी से शिविर शुरू हुआ शिविर में व्यापार मंडल के सहयोग व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन किया गया शिविर में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य रजिस्ट्रेशन फूड लाइसेंस बनाए गए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ने सुनी जन समस्याएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात राज्य सरकार में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बिजेंदर ओला अपने निज निवास अडावता में रहे इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए साथ ही विभिन्न संगठन के पदाधिकारी पहुंचे उनसे भी मुलाकात की साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की इसकी जानकारी मंत्री ने खुद ट्वीट कर, कर दी है आज सुबह से ही अड़ावता में मंत्री के निवास पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे बलबीर जोशी बने जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदित्य मिश्रा ने अनुज खंडल प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान परशुराम सेना प्रकोष्ठ की अभिशंसा पर बलबीर जोशी शर्मा को झुंझुनू जिले का परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है शीघ्र ही बलवीर जोशी को जिला कार्यकारिणी का गठन करने का निर्देश दिया है जोशी का श्री कृष्णा पंचकव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चिड़ावा पर डॉक्टर गणेश चेतुवाल की अगुवाई में स्वागत किया गया उत्साह से मनाया गया वार्षिक उत्सव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्ताना के बास में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया मुख्य अतिथि महेश कुमार पारिक पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरड मौजूद रहे अध्यक्षता ख्याली राम सेनी पंचायत समिति सदस्य चिड़ावा ने की विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गणेश चेतवाल संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चिड़ावा व मनोज कुमार प्रतिनिधि अंबुजा फाउंडेशन चिड़ावा वार्ड पंच शेर सिंह सैनी मौजूद रहे विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी प्रधानाध्यापक चंदकीराम सैनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया इस मौके पर बबीता चाहार रामविलास सैनी लीलू खान आदि कई मौजूद रहे किठाना से लेकर घरडाना खुर्द तक क्षतिग्रस्त सड़क पिछले पंद्रह साल से लोग हैं परेशान किठाना से लेकर घरडाना खुर्द तक बनी सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त तो हो चुकी है सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को नौता दे रहे हैं कई बार हादसे भी हो चुके हैं इस सड़क मार्ग को लेकर ग्रामवासियों ने एक सड़क संघर्ष समिति का भी गठन किया है आंदोलन भी उसके बैनर तले हो चुके हैं सरकार व प्रशासन को कई बार ज्ञापन के जरिए अवगत भी करवाया जा चुका है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है अब समिति जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है ये सर यहाँ किठाना से लेकर के गढ़ाना खुर्द होते हुए गढ़ाना कला गढ़ाना कला से रायपुर रायपुर से गोट की सीमा तक ये रास्ता है पिछले पंद्रह वर्ष से इस रास्ते का एक बार भी पुनर्जीर्णोद्वार मैं मरम्मत हूँ कुछ भी नहीं हुआ है और पिछले पंद्रह साल से ये तीनों ग्राम पंचायत हैं ये परेशान हैं और आए दिन यह दुर्घटना घटती है मेरे पास उनके वीडियो भी हैं कम से कम यह मान लो चार पांच युवा साथी तो अभी भी फ्रैक्चर हुए हैं जिनका भविष्य अंधकार में है और आज से चार पांच महीने पहले तीनों ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय थे और गांव के वन्य अन्य वरिष्ठ जन थे जागरूक नागरिक थे हमने एक सड़क संघर्ष समिति का गठन किया है सड़क संघर्ष समिति का संयोजक होने के नाते हम एक जागरूकता का अभियान हमने चला रखा है कि हमारी सड़क जब नहीं बनेगी तो हम इसका विरोध करेंगे अब हम एस सी साहब से मिले थे आई एन से मिले एक्स एन साहब से मिले हैं एस डी एम को जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं आज से तीन महीने पहले उन्होंने हमें कहा था कि मार्च में आपका काम शुरू कर दिया जाएगा अगले वित्तीय वर्ष में ये सड़क का जो साढ़े आठ नौ किलोमीटर की सड़क है इसको हम बनाएंगे और साढ़े पाँच मीटर चौड़ी करेंगे तो हमें ये मान लो कि लगभग पंद्रह बीस दिन और इंतजार करेंगे क्योंकि आज हर एक गांव का साथी है वो आक्रोश में है इसलिए है क्योंकि हमारा अधिकार है